कि दिल्ली में सरकारी सिस्टम की लापरवाही से पहली बार मौत नहीं हुई। आज सिस्टम में बैठे ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग जागरूक हो गए हैं। कोचिंग सेंटर्स के जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। केस दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन सवाल तो यहाँ ये उठता है कि हादसे से पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। सवाल ये भी कि सिस्टम को जगाने के लिए देश की ताकत, देश के होनहार नौजवानों को कब तक अपनी जान इसी तरह कुर्बान करनी पड़ेगी। दिल सहम जाता है, रूह कांप उठती है। चोकिंग सेंटर बने दिल्ली के कोचिंग सेंटर का यह मंजर जब भी आंखों के सामने आता है, यह सैलाब तीन जिंदगियां लील गया, तीन परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे गया और लाखों परिवारों को अपने नौनिहालों को सरकार के भरोसे न रहने का सबक दे गया। सरकार को फिक्र होती तो आम आदमी की जान की कीमत होती, सिस्टम को बदलने की नीयत होती, लेकिन सवाल देश में मशरूम की तरह उग रहे कोचिंग सेंटरों पर भी है, जिनका मकसद लाखों छात्रों की जान की कीमत पर अपनी तिजोरी भरना है। देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग का ये वो इलाका जहां पर तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको दिखाई देंगे। ये वो मेन मुख्य सड़क है जहां पर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट नजर आएंगे। उनमें से एक राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है। उसके आसपास देखिए ये वाजीराम आपको दिखाई देगा, जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट। श्रीराम आपको दिखाई देगा इस तरफ तस्वीरों के जरिए। देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर और करोल बाग इलाके में कुल मिलाकर करीबन 5000 कोचिंग इंस्टीट्यूट बताए गए हैं। हर गली में एक से दो लाइब्रेरीज भी नजर आती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हजारों की संख्या में नजर आते हैं। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर बेसिक बात करें, जो कोचिंग पढ़ाने की चार्ज करते हैं वो 1.5 लाख से कम कोई भी नहीं है। और अगर फुल पैकेज देखा जाए पूरे एक साल का तो करीबन 2 लाख तक ये इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं फीस के तौर पर। अफसर बनाने के नाम पर कमाई करना कोचिंग संस्थानों के लिए कैसे लाखों का धंधा बन चुका है, ऐसे मौत के बेसमेंट वाले राउज कोचिंग सेंटर से ही समझा जा सकता है। सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ऑफलाइन जनरल स्टडीज और इंटीग्रेटेड फाउंडेशन कोर्स की फीस 2.25 लाख रुपए है, वहीं ऑनलाइन कोर्स की फीस 95,500 रुपए है। कुल फीस की बात करें तो 2.5 लाख से करीब 3.5 लाख तक पहुंचती है, लेकिन बात जब स्टूडेंट्स की सुरक्षा की आती है तो लाखों करोड़ों कमाने वाले मुंह फेर लेते हैं। क्या सुविधाएं मुहैया की जाती हैं? बैठने के लिए एक कंजेस्टेड सी जगह उन्हें दी जाती है, एसी जरूर होता है लेकिन वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं होता। ज्यादातर लाइब्रेरीज यानी कि 90% लाइब्रेरीज इस इलाके में बेसमेंट में चल रही हैं, और बेसमेंट भी डबल बेसमेंट्स बने हुए हैं कई सारी लाइब्रेरीज में। कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बेसमेंट्स में चल रहे हैं, बावजूद इसके कि उनको इजाजत बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए नहीं दी गई। कोई स्टोर के नाम से इजाजत लेकर एनओसी लेकर वहां पर लाइब्रेरी चला रहा है तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है। ये दिल्ली के किसी एक सेंटर का हाल नहीं है, दिल्ली में ऐसे कई कोचिंग सेंटर हैं जहां कब हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के 583 में से सिर्फ 67 संस्थानों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं। 461 कोचिंग सेंटर फायर और दूसरे सर्टिफिकेट के बिना चल रहे हैं। कोचिंग सेंटर सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देशों को नहीं मानते। कई कोचिंग सेंटर जर्जर हो चुकी इमारतों में चलाए जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर तक के रास्ते बेहद तंग बनाए गए हैं। पिछले साल 15 जून को मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, कई छात्रों ने कूद कर जान बचाई थी। घटना में 50 से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे। कुछ छात्रों को तो खिड़की तोड़कर तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगानी पड़ी।
यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले करीब 2 लाख से ज्यादा छात्र दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर और करोल बाग इलाके में रहते हैं। ये तीनों ही रेसिडेंशियल इलाके हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में 80% से ज्यादा जो कोचिंग है उनकी लाइब्रेरी बेसमेंट में चलाई जाती है। राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी पूरी तरह से अवैध थी। इस लाइब्रेरी को अवैध तरीके से बनाया गया था, ये बात सरकार भी जानती थी और जिम्मेदारों को भी पता था। 9 अगस्त 2021 को नॉर्थ एमसीडी ने कंप्लीशन कम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग या गोदाम के लिए किया जाएगा। 9 जुलाई 2024 को फायर ब्रिगेड ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया। बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए बताया गया, लेकिन उसी बेसमेंट में लाइब्रेरी बना दी गई तो एमसीडी के अफसरों को खबर क्यों नहीं लगी? मास्टर प्लान के अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा है कि अगर बेसमेंट है तो उसके क्या क्या यूसेज होंगे। तो ये जो बेसमेंट का यूसेज लाइब्रेरी के लिए हो रहा था या उस काम के लिए हो रहा था जो नियम में जिसका प्रावधान नहीं है, और इसका मतलब है कि लंबे समय से वो चल रहा था। आखिरकार वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसको चलने दिया? जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी, उन्हें अब तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया जैसे अब लिया जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि एमसीडी ने कई इमारतों की पहचान की है, दिल्ली की मेयर ने हाई लेवल कमेटी बनाई है, जल्द ही बड़ी कार्रवाई शुरू होगी। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। मामले की गहन जांच की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी, कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, फिर दिन बीतेंगे, लोग भूलेंगे, फिर कोई हादसा होगा, फिर जांच की बात होगी, फिर एक्शन के दावे होंगे। यही तो होता रहा है। डिटेल में अगली रिपोर्ट में बताएंगे। ABP News आपको रखे आगे।